लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरा नाम मौलाना राजानी हसन अली रूहानी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का एग्जीक्यूटिव मेंबर और शिया उल उलमा हिंद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इन महिलाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में इनकी न्यूज़ देखी, इनकी खबरें देखी, इनके जज्बात देखे, और ख़ास करके मैं मीडिया लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो बराबर इनकी न्यूज़ को ये कवरेज करते हैं और सही खबरों को पहुँचाते हैं। जब मैंने खुद यहाँ पे रूबरू आके देखा तो मुझे ऐसा वाकई ऐसा दर्द हुआ, एहसास हुआ कि ये औरतें जो खड़ी हैं एक इंसाफ के लिए खड़ी हैं, हक के लिए खड़ी हैं, न इनको कोई पार्टी से मतलब है, न इनको किसी शख्सियत से कोई ये मतलब है, न इन्हों को कोई ये बहका रहा है। उन्हें तो दिल में ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हक है और होना चाहिए। जब मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जब इंटरव्यू दिया था तो भी मैंने ये बात कही थी कि जुमा के दो खुतबे होते हैं, और उन दो खुतबों के अंदर पहले खुतबे के अंदर अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जाता है और दूसरे खुतबों के अंदर हुकूकुन नास का बयान किया जाता है। तो उलमा को चाहिए कि वो दूसरे खुतबे में भी इस चीज़ का जिक्र करें, लेकिन अगर किसी पार्टी को बुनियाद बनाते हैं तो ये फेल हराम हो जाएगा। हम जी देखिए, हम इस वक्त यहाँ आए हैं, ये किसी तंजीम की जानिब से ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये जो एहतजाज किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुलूस की बुनियाद पे हो रहा है। ये जितनी भी औरतें हैं वो आप ये मत समझिए कि ये बीजेपी की मुखालिफ हो या दूसरी पार्टी की मुखालिफ हो, उनको के सामने एक मुद्दा है CA NRC, उसी की वो मुखालिफत कर रही है। और हम देखिए जो मौलाना इस वक्त पीछे हट रहे हैं, हम उनकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि उन मौलानाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो रहे किसी पार्टी में, लेकिन जो औरतें जो अपना हक चाह रही हैं, जो हक चाह रही हैं, उनके साथ में आके उनको ये खड़ा रहना चाहिए ताकि कल को जब उन्हें वक्त पड़े तो ये औरतें भी उनके साथ ये खड़ी रहें और उनको भी वो सपोर्ट करें।